Hi, this is Arijit Singh and you're watching Jima 101 Lessons. I don't think there is a particular suggestion that anyone can give. कुछ मतलब there is no hard and fast rule कि ऐसा ही करना है, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ऐसा रूल नहीं होता है. जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से I have always understand from my guru कि as a singer गला important नहीं है. गला is basically your machine. You have that system inside you और उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको warm up करना है. जैसे हम लोग like an example I'd like to give, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है, तो आपको पहले तो आपका बॉडी का वार्म अप चाहिए सो दैट यू कैन रन. सो पैर के साथ साथ बॉडी का हर मसल्स, यू बेसिकली हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाता है एंड देन यू टारगेट इन योर ब्रेन. तो ये जो वार्म अप वाला सिचुएशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे जो भी आपका टीचर है उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है. एंड यू नो यू नीड टू हैव अ टीचर, यू नीड टू हैव अ गुरु, और उनको फॉलो करते हुए यू हैव टू वार्म अप मेंटली, ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मैराथन सिर्फ ऐसे दौड़ने से नहीं होता. यू हैव टू हैव अ गोल, कहाँ पे मुझे कैसे सांस लेना है, कहाँ पे मुझे हर्डल्स क्रॉस करना है. सो इट्स अगर इसको एग्जैक्टली सिंगिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इट्स बेसिकली दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर थ्रोट, योर गला लाइक दैट, कि आप जब भी गाने का कोशिश करते हो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो. बट एट द सेम टाइम मुझे जैसे प्रॉब्लम होता था पहले पहले, मेरा गला टूट जाता था बहुत बार. ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग के पहले गला टूट गया, स्टेज के पहले टेंशन में गला बैठ जाता था. ये मोस्टली आई हैव सीन सिंगर्स के साथ ये होता है कि हम लोग ना बहुत परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये ठंड नहीं लगाना चाहिए. अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली तो आपका गला है अपने आप ठीक होगा. आई थिंक बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये. गले को अपने हिसाब से रेस्ट देना चाहिए, गले को उतना ज़्यादा पुश नहीं करना है कि आपका गला बैठ जा सकता है. आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस एंड एट द सेम टाइम अगर गला बैठा भी है यू कैन स्टिल सिंग, इट विल साउंड डिफरेंट. आपका जो टेक्सचर है गले का वो शायद एग्जैक्टली वैसा नहीं रहे जो नॉर्मली रहता है, बट यू कैन स्टिल सिंग, इट विल गिव अ डिफरेंट फ्लेवर. एक्चुअली गाना तो दिल से है, गाना दिमाग से है. आपको कैलकुलेशन जो है आपका टेक्निकल कैलकुलेशन, जो आप सुर का जो कैलकुलेशन है वो आप दिमाग से करते हो और उसको नेचुरली आप प्रैक्टिस करके याद करते हो, उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट दैट ऑल्सो. सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग थिंग्स. आपको यू हैव टू बी अ सिंगर एट द सेम टाइम यू हैव टू बिकम अ नॉन सिंगर एंड डिलीवर. ये जब मैंने सुना था गुरुजी से इट चेंज्ड एवरीथिंग इनसाइड मी, इट चेंज द गेम कम्प्लीटली. तो जितने सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने किया है आज तक, मेरा गला हमेशा एक जगह पे नहीं रहा है एंड आई हैव बीन रियली स्ट्रगलिंग कि एक दिन रिकॉर्डिंग का डेट आ गया और उसी टाइम पे गला बैठ गया और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ म्यूजिक डायरेक्टर्स को. बट आई हैव ओनली रिमेंबर्ड दैट सजेशन दैट माई गुरु जी हैज़ गिवन मी कि डोंट वरी अबाउट इट, गो देयर, जो भी गले का हालत है उस हिसाब से गाओ. इवन उस्ताद आमिर खान साहब, एक एग्जाम्पल है, एक दिन उनका गला खराब था, उनका एक रेंज तक लिमिटेड था, तो स्टेज जाने से पहले उन्होंने माइक में अनाउंस किया था कि आज मेरा गला खराब है, यही रेंज में मैं गा सकता हूँ. एंड दैट वर्क्ड, यू नो, एंड दैट बिकेम हिस्ट्री. सो दिस माय सजेशन इज, आप सिर्फ गाने के बारे में सोचो, आपका बॉडी आपका गला जो है वो अलग पार्ट है, वार्म अप करो एंड गाने के टाइम पे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिरिक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिचुएशन एंड सिंग योर हार्ट आउट.